ये अंडे चेक करें, इक्का दुक्का तिक्का चौका पाँच का छक्का सात का पता नहीं यार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ है नहीं, हाँ ये छः इसमें से सील के हैं, दो देसी हैं और ये चकोर का, ये रखते हैं बाउल में लेके चलते हैं ऊपर। तो इसके अंदर हमने रखनी है आटा, आटे के अंदर रखने हैं अंडे ताकि हिल ना जाए यार, इतनी मेहनत से इधर रखे हुए थे, ऊपर जाते जाते ना हिल जाए। रख लिया, अब चलते हैं ऊपर। ये जल गई लाइटें भी, ठीक है लाइटें जल गई, अब रखते हैं अंडे गर्म गर्म से करते हैं, और मुर्गी वहाँ बैठी हुई है अभी रखते थे, इसके बाद दाना और पानी पड़ा है खा लेगी ये। हम रखते हैं अंडे इसके नीचे, ध्यान से अंडे रख लेते हैं इधर यहाँ पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारे रख लेते हैं इस तरह करके यहाँ से। आखिरी अंडा ये चकोर का यहाँ रखते हैं, अब मुर्गी देखते हैं इधर आएगी खुद ही बैठ जाएगी। कहें सुराख कैसे बने हुए हैं अंडों के, चलो सीधे हो जाओ। इसने दाना पानी अच्छी तरह खा पी लिया, पानी भी पी लिया, दाना भी खा लिया, सुबह दोपहर भी से हमने खोला था, अब ये खुद ही जाके बैठ जाएगी अंडों पे, देखना चलो अंदर ये देखना खुद ही बैठ जाएगी ऊपर जाके। चेक करने अंडे सारे अंदर हैं, उधर से भी हाँ एक भी अंडा बाहर नहीं, इसमें सारे 11 के 11 अपने नीचे कर लिए। इसे करते हैं बंद, यहाँ से ईंट लगाते हैं, करते हैं बंद, बाकी सुबह आके देखेंगे इसे। दोस्तों क्या हाल है आप सबका, ठीक है तो अंदर सुबह से खुले हुए हो, और चेक करें छत गंदी हुई है, मैंने आपसे कहा हो जाएगी साफ यार, ईद से पहले पहले इंशाल्लाह करनी है, फुल सफाई करनी है और ऐसा इंतजाम करना है, चुप ऐसा इंतजाम करना कोई गंद वगैरह ना हो, कोई शॉपर वगैरह कोई इंतजाम करते हैं, सारा गंद जो होता है ना एक साइड पर रख दिया करेंगे। पहले हाथ पे डालते हैं पानी सीलों को, उनको ख़त्म हो गया, नीचे गिराते हैं यार ये ना बाल्टी, मैंने हालांकि अटकाई हुई है ईंट के साथ, लेकिन फिर भी नीचे गिराते हैं सील हमारे, करते हैं इनका भी कोई इलाज। पी रहे हैं पानी, गिराने की पड़ी होती है, अब इन्होंने थोड़े बहुत दोबारा गिरा देनी है। अच्छा इनको खाना भी डालते हैं अभी, यहाँ भी कोई हुई है रोटियाँ सारी ये डालते हैं इन्हें, अंडा भी पड़ा है अंडा डालते हैं, अंडा खाएंगे सीन हमारे, भिगो दिए नहीं ब्रेड, अच्छा ब्रेड है अंडा नहीं है, ये रोटियां डालते हैं, ब्रेड भी साथ भिगोई मतलब सारा कुछ मिक्स भिगा हुआ है, ब्रेड वगैरह रोटियां, इनका कुछ करता हूँ, तुम्हें चुप क्यों नहीं हो रहा है, पागल ना हो तो, इन्हें डालते हैं अब ये देखना, सुबह से खाने फिर खाना शुरू हो गया। आवाज़ वगैरह आपको थोड़ी ख़राब लग रही होगी, ना जुकाम हुआ ना बिल्कुल बंद पड़ी है मेरी, इसलिए आवाज़ थोड़ी ख़राब लग रही होगी। चीज़ पे अब आते हैं जो आपको असल चीज़ दिखानी है ना, मुर्गी कूड़े पर बैठी हुई है, आपने देख लिया होगा, हमने रात को बिठा दी थी क्योंकि ना सुबह कल परसों रात से बैठी हुई थी, हमने कल रात बिठा दी थी, इसके अंडे मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से अंडे रखे हैं। हमने बाहर दाना और पानी रख लिया और अंडे देखो माशाल्लाह उसके रखे हुए हैं, मैंने ना कुछ अंडों पर निशानी भी लगाई है, इसमें 6 जिन पर निशानियाँ लगी वो सील के हैं, बाकी 2 और असील नस्ल के हैं और 3 और असील नस्ल के हैं और एक चकोर के है इस तरह, और 2 देसी हैं, पता नहीं ये 14 है मेरे ख्याल से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं वो एक अंडा, ओए लो अभी पहला दिन था अंडा ही खा गए यार, अच्छा भला दाना पानी से बाहर निकाल के देते हैं पूरे, हाँ दिन में 1 या 2 दफ़ा लाजमी देते हैं, फिर इसने यार पता नहीं क्या किए लो, ओए यार इसको क्या करें अब इसने औरतन छिड़के, हाँ मेरा स्मेल भी बढ़िया आ रही है, अंडा जो तोड़ा है ना उसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा आ रही है, मैं अभी खुशी हूँ आ रही, मैंने तो अभी चेक किया अंडा यार तोड़ा हुआ है, काम है इसके भी यार, भला इसे देते हैं 2 टाइम लाजमी देते हैं इसे उठा के खुद खाने पीने को, लेकिन पता नहीं इसने क्यों तोड़ा है, आप लोग को यार किसी को पता हो तो इसे बताएं, कोई इलाज कोई कैल्शियम की कमी हो या कुछ हो मसला, पता नहीं यार ये क्यों कर रही है ऐसे, और बिना तोड़ दे अब 13 रखे हुए हैं, कल इंशाल्लाह देखें कितने रहते हैं, इसकी मर्जी है जिसने रखे अब ये। हाँ जी तो भाई आते ही बच्चों की आवाज़ें, चेक करें बच्चों की आवाज़ें, और दाना भी ख़त्म हुआ, दाना भी ना डालते पहले बच्चे हम चेक कर लें ज़रा। हाँ जी बच्चे हुए माशाल्लाह से बड़े बड़े हो गए यार, इतनी जल्दी ग्रो कर रहे हैं तो माशाल्लाह से बहुत जल्दी, 4 हाँ 4 है, बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं माशाल्लाह से। दाना पानी चेंज करते हैं फिर आपसे मिलता है यार।
डाल जाते खुद ही आके बैठ के देखना अंडे आप खाए ना, मैं तुम्हें बताऊंगा फिर, पता नहीं खाती क्यों है, ये छिलका भी उठा लेते हैं इसके पास से। बैठ के फुल अंडे नीचे देखे, हाँ सारे नीचे हैं इसके। आज जिन्हें टाइलो फर्सी और साइमोस्टस लेते हैं सारे अपने बर्ड्स को। टाइलो साइमो थे दो भाई, दोनों पे हुई लड़ाई, वो कहता मैं पानी में जाऊँगा, वो कहता मैं पानी में जाऊँगा, दोनों को डालते हैं और झगड़ा मुकाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डालते हैं ये, थोड़ा सा ही ये मिक्स, अब सारों को रखते हैं, प्याली में हमने डाली है, अब सारों को सारों के पास रखते हैं दाना। हमारे यहाँ खा रहे हैं, मैंने तो अच्छा बाजरा जो बचा होता है ना दाना को, वो तोतों का वो खा रहे हैं, हम तो इन्हें यहाँ से ना ये पकड़ के डालते हैं दाना। यहाँ से अंडे देखने, अंडे बड़े हैं माशाल्लाह से, और बच्चे भी माशाल्लाह माशाल्लाह कितने बड़े हो गए यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, ओए ये तो चलने भी लग गया माशाल्लाह, ओए ओए कितने बड़े बड़े हो गए, और माशाल्लाह बाहरों पैर पे बाल भी हैं, इनके बाप के नहीं है माँ के हैं लेकिन इनके भी हैं यार ये, और ये तो फुल ब्लैक लग रहा, नहीं थोड़ा सा वाइट है, और वो वाला भी वो ब्लैक एंड वाइट है, हाँ नीचे से वाइट है लेकिन ये ब्लैक है। तो वापस रख देते हैं यहाँ पे, जाओ बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, ये बिल्कुल भी बाल नहीं है, ये है इनका बाप और वो है माँ, माँ के हैं बाल, ये ब्लैक फ्रील है लेकिन बाप के नहीं, ये शरादी है ना इसके नहीं है। भाई कबूतरों के अंदर पानी के अंदर टाइम और साइमो दोनों मिला दिए, चलो भाई ये रखते थे अंदर, और आज आपने मेरी आवाज़ पे बिल्कुल नहीं जाना क्योंकि मेरा फुल ज़ुकाम हुआ है और फुल गला ख़राब है। चलो भाई अंदर दाना वगैरह निकाल अंदर रखते हैं तो ये अंदर खा लेंगे, यार अभी तक पहचान नहीं हुई इसने, तो दो तीन चार नहीं हफ्ता होने वाला, हाँ अभी भी पहचान नहीं हुई इसे, इन्हें भी खोलते हैं, ओए देखो और कैसे आती हैं आज बाहर, चलो मैं आपको दिखाने भूल गया, ये देखें इतना बड़ा मोशन किया, जो हमारी कुड़क बैठी है ना वो इकट्ठे वाशरूम आके करती है, इतना बड़ा इसने किया हुआ है बीट। रोटियां मैं इधर डालता हूँ, ये खा लेंगे आराम से, रोटी वगैरह खा रहे हैं हम जरा अंदर, अंडा वगैरह चेक कर रहे हैं, वैसे दिया तो इन्होंने, हाँ देखा कोई नहीं दिया हुआ, रखते हैं इसके अंदर भी हमने टाइम और टाइलो और साइमन दोनों मिला दिए, दाना पन डाल दिया और इसे भी टाइलो सारों का टाइलो फर्सी वाला डाला है इनके, क्योंकि ये जानवर हैं वो बाकी सारे परिंदे हैं, ख्याल से जो होता है ना टाइलो और साइमन परिंदों के लिए होता है, जानवरों के लिए नहीं होता। ओ भाई तो दोस्तों हमारे कबूतर के बच्चे तो माशाल्लाह से बहुत बड़े हो गए, दुआ है कि अब ये मारना जाए, इस तरह होता है कभी कभी फुल बड़े होकर ना मार जाते हैं, हमारे गुब्बारे वाले कभी इस तरह हुआ था, पता नहीं उन्होंने खिलाना बंद कर दिया था, अंडा दे जाते हैं फिर ये ख्याल नहीं करते बच्चों का, हम ख्याल देखेंगे अगर अंडा दिया ना तो बच्चे हम चेक करते हैं कि फीड कराते हैं कि नहीं, और आपने मुर्गी का लाजमी से बताना वो अंडे क्यों खा रही है, जैसे आज हमारी वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है, पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आपसे मुलाकात होगी, अभी कह दीजिए अल्लाह हाफिज़।